यूट्यूब के चैनल में हम सभी बच्चों का तहे से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का एक लेटर यहाँ पर शिक्षा विभाग का जारी हुआ है। राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सरकारी कार्यों में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा करने प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में लेटर जो है वो जारी किया गया है। क्या कुछ हुआ है इनसे वो देखते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि गृह विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 62/11 दिनांक 9/6/2008 प्रतिलिपि सदन द्वारा राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में राज्य सरकार का जो निर्णय संशोधित है उसका सम्यक अनुपालन किए बिना ही सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी आपराधिक मामला दर्ज कर दी जाती है। इस निर्णय के अनुसार किसी विभाग अथवा संगठन के संबंधित किसी पदाधिकारी कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसमें विभाग संगठन सरकार की क्षति हुई है, संबंधित विभाग संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। देख सकते हैं क्या प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आरोपित सरकारी अधिकारी कर्मी का दोष आपराधिक प्रवृत्ति का है। सरकारी अधिकारी कर्मी के कार्यालय कार्यकलाप से यदि सरकार को क्षति होती है तो सरकार जो नियोजन है उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि उस वक्त कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करे। तो ये लेटर जारी किया गया है संजय कुमार के द्वारा और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की गई है जिन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ आरोपी हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं संजय कुमार का वायरल लेटर है। और आगे हम देखें तो एसटीटी को लेकर भी अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आरटीआई से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेटर जारी हुआ है। आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र को आवेदन संख्या समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा SC-19 की पुनः परीक्षा के विषय सामाजिक विज्ञान 107 कोड है के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उसके संबंध में सूचित करना है कि सोशल साइंस 107 विषय के अंतर्गत कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या देखिए यहाँ पर बताई गई है 26,221 है। उक्त क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कोटिवार निम्नलिखित है। UR के लिए देखिए 300 यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 3,209 है। EWS में 2,704 है। BC में देखिए 10,614 है। EVC में 6,683 है। SC में 2,728 है। ST में देखिए 283 है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लेटर जारी हुआ है, क्या कुछ कहा गया है कि आपके द्वारा लोक सूचना किसे संबंधित प्रपत्र आवेदन संख्या समिति को प्राप्त हुआ है और आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा SC-19 की परीक्षा के विषय सामाजिक विज्ञान 107 के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। तो सामाजिक विज्ञान में ये पूछा गया था कि कितने अभ्यर्थी जो थे वो क्वालिफाइड हुए थे, कितने अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखिए उसके संबंध में सूचित करना है कि सोशल साइंस 105 विषय के अंतर्गत कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या उन्होंने बता दी है कि 26,221 कुल अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। उस क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कोटिवार जो है वो यहाँ पे बताई गई है। तो देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे कटअप मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये RTI के द्वारा सूचना का जो अधिकार अधिनियम है उसके तहत मांगा गया था कि ये बताया जाए कि सोशल साइंस में कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो वो पूरा का पूरा विश्लेषण यहाँ पे दे दिया गया है। आगे देखते हैं एक प्राथमिक शिक्षक संबंधी लेटर भी जारी हुआ है। तो देखिए गाइज यहाँ पे औरंगाबाद देख सकते हैं, कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, जिले के सभी पंचायत सचिव सदस्य सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई औरंगाबाद के द्वारा लेटर जारी किया गया। देख सकते हैं डेट यहाँ पे पड़ी हुई है। और आगे देखिए क्या कुछ है। काउंसलिंग पंजी की सत्यापित छाया प्रति एवं CD देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। CD की कापी उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि काउंसलिंग पंजी की सत्यापित छाया प्रति है और CD की जो कापी है उसे उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर जो था वो जारी किया गया था। उपलब्ध विषय का अंकित करना है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में शिक्षक नियोजन से संबंधित चयन सूची में विभिन्न अभ्यर्थियों से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। सभी शिक्षक नियोजन इकाई से संबंधित काउंसलिंग पंजी की सत्यापित छाया प्रति एवं CD की कापी अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को 2 दिनों के अंदर कहा गया है कि जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही काउंसलिंग पंजी की प्रति अवलोकन हेतु लाएंगे, काउंसलिंग पंजी अवलोकन उपरांत तो वापस कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे ये देख सकते हैं लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। लेटर में क्या जानकारी दी गई है वो भी आप देख सकते हैं, लेटर में क्या कुछ कहा गया है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से सभी पंचायत नियोजन इकाई की सदस्य सचिव सह पंचायत सचिव पंजी की सत्यापित छाया प्रति एवं सीडी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये एक महत्वपूर्ण लेटर है जो जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ कहा गया था वो मैंने आपको दिखाया इसमें, ठीक है, देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की सेवा में साधार सूचना समर्पित है, तो ये लेटर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। फिर से नई शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड करता रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगातार चल रही है, ठीक है। इसमें क्या कुछ कहा गया है वो आप देख सकते हैं भाई, नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। इन्होंने क्या दिया है, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश पर, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 70,000 से अधिक पद खाली, रिपोर्ट तैयार कर बनेगी कमेटी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन में रिक्त पदों व विद्यालय के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है, देख सकते हैं गाइस, सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालय के लिए नई शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि 70,000 से अधिक पद खाली हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे 70,000 से अधिक पद खाली का मतलब यह है कि 70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना सुनिश्चित होगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा गया है 2018 व 2019 में कराया गया था पद, देख सकते हैं, प्रदेश में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, उसी की सिफारिशों के अनुरूप 2018 में शिक्षकों का पद निर्धारण करते हुए स्कूलों में बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक का पद अनुमोदन किया हुआ था। देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कहा जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है 70,000 से अधिक खाली पदों का रिपोर्ट तैयार हो चुका है, नई शिक्षक भर्ती इसी महीने होगा ऐलान। तो बहुत अच्छी खबर आ रही है कि इसी महीने नई शिक्षक भर्ती का जो है वो ऐलान होगा, तो भाई अच्छी खबर है। अगर आप सीटेट पास हैं, अगर आप चाहते हैं यूपी में भी आवेदन करना, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सीटेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है, ठीक है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं गाइस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो जो लोग भी इस इंतजारी में थे कि कब तक भाई कुछ नई भर्तियां निकलें, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि भाई नई भर्ती जो है वो निकलने जा रही है। 70,000 खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है और इन खाली पदों के ब्यौरों के अनुसार ही जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो गाइस शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।